कहा जाता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध श्री हरि विष्णु का नौवां अवतार है। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदुओं के अलावा बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म का नहीं, बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के बाद बुद्ध को बोध गया में सत्य का ज्ञात हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। देश भर में आज 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। बौद्धों के लिए बोधगया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्व अधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी। बौद्ध के अनुसारी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है।